चालकों के बारे में, अर्ध चालकों के बारे में आपने हमारी चालक अचालक और अर्ध चालक वाली वीडियो देखी हो तो आपने पता किया होगा कि हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था अर्ध चालकों के ऊपर। तो अर्ध चालक जो होते हैं वो इन दोनों के बीच की, आप बोल सकते हैं कि बीच के बीच में होते हैं बिल्कुल। जैसे कि चालकों से तो इसमें कम वैद्युत धारा प्रवाहित होती है पर अचालकों से ज्यादा। तो आप बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनमें चालकों से कम परंतु अचालकों से ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित होती है अर्ध चालक कहलाते हैं। अर्ध चालक दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं निज अर्ध चालक और दूसरे होते हैं बाह्य अर्ध चालक। निज अर्ध चालक वो होते हैं जिनके अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो वे पदार्थ जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में पाया जाता है निज अर्ध चालक कहलाते हैं। अब जाहिर है जब ये शुद्ध अवस्था में है तो ये अशुद्ध अवस्था में होता होगा। तो आप बोल देंगे कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में तृतीय वर्ग या पंचम वर्ग की अशुद्धि पाई जाती है तो उन्हें बाह्य अर्ध चालक कहते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जब शुद्ध अवस्था में है तो निज अर्ध चालक, और जब उनमें तृतीय वर्ग की या पंचम वर्ग की अशुद्धि पाई जाती है तो उन्हें बाह्य अर्ध चालक कहते हैं। पी टाइप अर्ध चालकों में, अच्छा ये जो है आपके बाह्य अर्ध चालक ये दो प्रकार के होते हैं, पहले पी टाइप अर्ध चालक दूसरे एन टाइप अर्ध चालक। पी टाइप अर्ध चालक वो होते हैं जिनमें वो अर्ध चालक जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर तृतीय वर्ग की अशुद्धि पाई जाती है आपके पी टाइप अर्ध चालक कहलाते हैं। और वो पदार्थ जिनके अंदर पंचम वर्ग की जर्मेनियम और सिलिकॉन पंचम वर्ग की अशुद्धि के साथ पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एन टाइप अर्ध चालक। तो अर्ध चालक दो तरह के होते हैं, निज अर्ध चालक और बाह्य अर्ध चालक। निज अर्ध चालक वो होते हैं जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में होता है, और बाह्य अर्ध चालक वो होते हैं जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन में तृतीय और पंचम वर्ग की अशुद्धि पाई जाती है। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में तृतीय वर्ग की अशुद्धि पाई जाती है तो पी टाइप, और पंचम की तो वो एन टाइप अर्ध चालक कहलाते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, आपका टॉपिक नहीं है, पर इसका आगे रिलेट करता है, ये आगे की वीडियो से डिपेंड करता है कि पी टाइप अर्ध चालक और एन टाइप अर्ध चालक आगे बहुत पढ़ेंगे हम, जैसे कि पी टाइप आपका पीएन संधि डायोड वगैरह तब आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा जरूरी है।